अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हो गई कल ब्लॉग की छुट्टी, क्योंकि आयशा की बर्थडे थी। वो ब्लॉग बनाया था, कल अपलोड कर दिया, लेकिन कल ब्लॉग नहीं बना। एक गेम था उसको एडिट करना था, बट उसमें कुछ मसला हो गया, इस वजह से वो एडिट नहीं कर पाया। तो आज ब्लॉग अपलोड नहीं होगा, एक गेम छुट्टी हो गई। काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। आज ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक दिन गैप हो गया। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जा रहा हूँ शॉप और मेरी मॉर्निंग अभी हुई थी। मैं गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया जब ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, उधर कुछ काम वगैरह, सबसे पहले काम करूँ, क्योंकि एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से शॉप बहुत कम गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया। लेकिन अभी जा रहा शॉप से अभी फारिग हुआ हूँ और अब जा रहा हूँ खाना वगैरह खाना है, कुछ काम करना है मुझे। और साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, जाते हुए रास्ते ही में पड़ेगा, और वो चीज़ है जिसमें आप लोगों की नज़र नहीं, मेरी नज़र सबसे पहले लगी। वो चीज़ हो गया ख़राब पूरा। वो चीज़ क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो ये रहा, पूरा करेला ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं ये पूरा येलो येलो लग गया है। आई थिंक ये ना ख़राब हो रहा है पूरा। इसको रोज़ मामा पानी देती है बट ये ख़राब हो रहा है। और इसी के साथ ये एक निकला बड़ा खूबसूरत, इस पर माशाल्लाह लाजमी बोल देना, अगर ये सूख गया ना तो मामा मुझे मारेंगी रख रख के, चमाट चमाट ही चमाट मारेंगी। खाने में चेक करते हैं खाने में बना क्या। और हाँ, इस मुझे ना इंस्टा पे किसी ने इतने मैसेज किया कि भाई आप तो काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स वगैरह बना रहे होते, लेकिन मैंने आपका व्लॉग देखा है ना, तो व्लॉग में आप इतने अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा भाई रील्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें रेडी होता है बंदा, ठीक है, हेयर वगैरह सब चीज़ सही होता है, और थोड़ा किट शिट में होता है ना, तब रील्स वगैरह शूट कर रहा होता हूँ। और व्लॉग बनाते हुए अभी देखे मैं डायरेक्ट शॉप से आया हूँ, ठीक है, इसी उलिये में हूँ, ठीक है, हेयर भी वैसी है, फेस भी वैसी है, कुछ भी नहीं लगाया फेस में ना, अभी तक फेस वॉश किया हूँ। अभी डायरेक्ट किचन में आऊँ खाना देखने के लिए, आज खाने में क्या बना है। तो यार मैं कैसे रेडी हूँ, रोज़ तो व्लॉग में रेडी नहीं हो सकता कि शॉप से आऊँ रेडी हूँ, फिर कहीं जाऊँ फिर रेडी हूँ। इस वजह से भाई ये सूरत जो है ना, ये मुखड़ा, ये ऐसे ही रहता है व्लॉग में। और खाने में मामा ने चढ़ाया हुआ निहारी, ज़रा इसको देखें तो अभी तक खाना रेडी है बट निहारी रात के लिए। तो इसको देखते हैं ये कैसा बन रहा है, गर्म बहुत होता है ये, इसको बहुत संभाल के खोलना पड़ता है। ओह, अभी तो ये मेरे ख्याल से कुछ हुआ ही नहीं है। चलो वापसी, पैक 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 पैक, अभी तक ये बिल्कुल हुआ नहीं है रेडी, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। और खाना भी बाद में, मेरे अभी मेरे लिए तो खाना बना हुआ है बट मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा काम करने। खाना खाना तो नहीं था बट निहारी रेडी हो चुका था, तो मैंने बोला चलो खाना खा ही लेता हूँ। और इधर आ गया ज़बरदस्त निहारी और साथ ही में पूड़ी लेकर आया। मैंने कहा कि पूड़ी और निहारी खाऊँ जल्दी से। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि मामा ने निहारी कैसा बनाया, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं, पूरी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छा। तो मैं खाऊँ जल्दी से खाना। खाना खा के थोड़ा टेरिस पर आया हूँ, थोड़ा सा शाम का फ्रेश हवा ले लूँ। वैसे फ्रेश हवा तो नहीं चल रहा है, कराची में धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, उसी का हवा चल रहा है। तो मैं अभी टेरिस पर आया हूँ, टेरिस पे थोड़ा फ्रेश हवा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। शाम के टाइम तो अच्छा ही हो जाता है 5 बजे, क्योंकि सर्दी है, इस वजह से अभी यहाँ पे थोड़ा सा घूम लूँ, फिर उसके बाद जाना है फैजी भाई के पास, क्योंकि वो आ रहे हैं दोबारा पॉडकास्ट पे, शायरी वाले लड़के, और उसमें काफ़ी अच्छा अच्छा इन्होंने राइट किया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा इधर बैठूँ और फ्रेश हवा लूँ, काफ़ी देर टेरिस पर बैठ गया, अब जा रहा हूँ फैजी भाई के पास, उनसे कुछ बात वगैरह करने जाने, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए।
अभी अभी फैजी भाई की दुकान से घर पर आया हूँ और घर पे कोई नहीं है। मामा गई हुई किसी काम से और सिस्टर कोचिंग गई हुई है, सिर्फ मैं ही घर पे अकेला हूँ। तो मैंने कहा कि चलो अकेला हूँ तो शूट वगैरह कर लेते हैं, इंस्टा रील्स वगैरह कुछ। तो अभी दोस्त का कॉल आया था, दोस्त ने कहा कहाँ है, कहाँ हूँ। मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ। तो कहा यार मुझे टिकटॉक वगैरह बनाना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है घर आ जाओ। रूम की लाइट क्यों कम लग रही है, और हो गया, और लैपटॉप का जो है ना वो SSD कार्ड ख़राब हो चुका है। अभी मैंने किया था दोस्त को कॉल, तो उसने कहा कि यार SSD कार्ड डलवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम कल आना, कल SSD कार्ड वगैरह डलवाएंगे और काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह कल। तो आज जो है ना, कल से अब मैं YouTube पे शॉर्ट्स वगैरह भी डालूंगा, सारे शॉर्ट्स वगैरह भी अब आएंगे व्लॉग के साथ, क्योंकि शॉर्ट्स से ना काफ़ी अच्छा होता है। सब बोलते हैं शॉर्ट्स डाला करो, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि यार तुम इंस्टा रील्स वगैरह तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनाते हो, तो शॉर्ट्स वगैरह भी डालो। मैंने बोला चलो ठीक है शॉर्ट्स डालूंगा। और साथ ही मैं लिख रहा हूँ स्टोरी, वो स्टोरी बहुत बहुत का मतलब बहुत अच्छा है। वो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो व्लॉग नहीं वो स्टोरी बनाऊंगा, तो वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी मैं उसमें राइट वगैरह कर रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि स्टोरी काफ़ी हेवी है। शायद दोस्त आ चुका है, उसने गेट नॉक किया, ज़रा मैं देखूँ वो कहाँ है। नहीं लाइट ओपन ही रहने देता हूँ, आ रहा हूँ। ये दोनों आ चुके हैं और ये सामने बैठे हुए दोनों, और इन दोनों का जो टिकटॉक है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं टिकटॉक में वायरल होने के लिए। मैं यूट्यूब में मेहनत कर रहा हूँ और ये लोग टिकटॉक में मेहनत कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसके टिकटॉक जाके देखे काफ़ी अच्छा हो जाए। यार हंसना क्या, मैं टिकटॉक का बात करता हूँ मुझे हंसी आता है क्योंकि मैं रील्स वगैरह इंस्टा बनाता हूँ ना इस वजह से। तो ये लोग टिकटॉक में मेहनत करें, अभी देखते हैं क्या सीन है। बनाना है ना आज, बस बनाना है। तो अभी रिंग लाइट वगैरह लगाता हूँ मैं जल्दी से, भाई मैं रिंग लाइट लेकर आ रहा हूँ बैठ कर। इधर रिंग लाइट वगैरह लगा रहा है, ये रिंग लाइट लगा दी, और ये अभी दोनों सॉन्ग ढूंढ रहे हैं कि किस सॉन्ग में बनाना है। तो मैं अभी इन लोगों का बनाऊंगा साथ ही, ये एक्शन चेक करें प्रैक्टिस करें ना कि इनको कैसा बनाना है। इनकी शूटिंग वगैरह चल रही है, अभी स्टार्ट किया इन लोगों ने, फिर हिल गया यार ये तार का मसला। ये अभी रिंग लाइट वगैरह फिक्स कर दिया और ये दोनों खड़े हैं। इनकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, रिंग लाइट उधर लगाया हुआ है सामने, अब देखो इनका कैसा बनता है। इन लोगों का डिसाइड ही नहीं हो रहा इन लोगों को कहाँ बनाना है, कभी कहाँ आ जाता है कभी कहाँ आ जाता है। इन लोगों का पता ही नहीं है कि इन लोगों को कहाँ बनाना। अभी बोला रिंग लाइट में बनाना है, रिंग लाइट सेट वगैरह कर रहा है। अभी पहले भी सेट करके गया लेकिन दूसरे रूम में जाके लोगों को मिरर के सामने बनाना था, बट उधर सही नहीं बना इनका। कंप्लीट हो गया शूट वगैरह दोनों जा रहे हैं। अब चलो यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसने। वो लोग जा चुके हैं और मैं बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाने में वही निहारी है ज़बरदस्त, और साथ ही रोटी अब खाता हूँ जल्दी से खाना। खाना खा के फारिग हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपना काम वगैरह करने। और आप लोगों को पीछे LED नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ख़राब हो गया, उसको बनने के लिए दिया। और इंस्टा पे काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स अपलोड किया है, मरी वगैरह का भी अपलोड हो चुका है, और अभी न्यू रील्स भी काफ़ी ज़्यादा अपलोड किया है। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ अपने इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम नेम है शेबी प्रिंस SHOEBY प्रिंस। तो आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर लें क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स आती है। आई थिंक यूट्यूब चैनल पर भी लिंक है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।